बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज में हिजाब पर बैन बरकरार रहेगा। 9 छात्रों की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस दौरान कहा कि कॉलेज में हिजाब बैन सही है। चेंबूर के कॉलेज में बैन के खिलाफ ये याचिका दी। हिजाब बैन पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वो कॉलेज के फैसले में दखल नहीं देना चाहते, उनका किसी भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सभी छात्रों कॉलेज पर एक समान नियम लागू होने चाहिए। राइट टू चॉइस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी के ग्राउंड्स पे हमने चैलेंज किया था, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये पिटीशन डिसमिस किया है। अभी ऑपरेटिव पार्ट आना बाकी है, पूरा जो जजमेंट है वो आना बाकी है, इसको पढ़ने के बाद हम फैसला करेंगे। हम अपने स्टूडेंट से बात करेंगे, क्लाइंट से बात करेंगे, फिर आगे फैसला करेंगे कि इसको चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं। मामले पर महाराष्ट्र के एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि वो कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ है और इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम उससे बहुत असंतुष्ट हैं। कुरान शरीफ में पर्दे के बारे में दिया है, वो पर्दा अगर हमें नहीं करने मिलेगा स्कूलों में, हम उसके ड्रेस कोड का सम्मान करते हैं, ड्रेस पहन जाएंगे, बच्चियां स्कूल में जाएंगी, क्लास में बैठ कर, तो उनको सिर्फ ये वो अपना हिजाब करना है, वो करने परमिशन होना चाहिए, नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।